हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू मिसबा एंड ममाज ब्लॉग। गाइस, मेरे घर पे आए थे गेस्ट और वो है अरबाज और अमतूर, जैसे कि आप लोग जानते हो। और कितने दिन बाद अरबाज और अमतूर आए हैं मेरे घर पे। तो वो लोग अभी, मतलब हम लोग पूरी रात, मतलब सुबह में 11-12 बजे तक हम लोग बातें करते बैठते। ऐसे भी छोटा बेबी जो है वो जगाता है, तो हम लोग इसीलिए बातें करते बैठते हैं। और आप देख सकते हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से मुझे हो गई है थोड़ी सी खांसी। और गाइज, इतनी गर्मी है कि घर से बाहर निकलने का दिल नहीं चाहेगा। सुबह में क्या, रात में भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि मैं रात में अगर बाहर निकले तो मेरा पूरा मुंह पसीना पसीना हो जाता है। और बस इसी के साथ मैं जाती हूँ, फटाफट खाना बना लेती हूँ ताकि सब खाना खाए। और आज खाने में बनेगा आलू पालक और रोटी और दाल। और ये सब बनाने के बाद अभी हम लोग फटाफट फिर फ्रेश हो जाएंगे। अरबाज और अमतूर को भी जाना है बाहर और मैं जाऊंगी जिम। तो आज, मतलब अब मेरी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन पर आएगी, तो देखते हैं कि कैसा जाता है आज का पहला नॉर्मल रूटीन वाला दिन। तो गाइज, यहाँ पर बन रहा है मेरा आलू पालक और यहाँ पर कट कर दिए है पटेटो। और बहुत ही यम्मी लगता है जब मैं आलू पालक बनाती हूँ, तो मुझे भी बहुत पसंद आता है और मम्मा को भी बहुत पसंद आता है, जो भी खाता है उनको बहुत पसंद आता है। तो एक्चुअली ये क्या है ना, मेरे हाथ में टेस्ट है इसीलिए। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बन रहा है और फिर ये बन जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी। तो गाइज, फाइनली मैं नहा कर रेडी हो चुकी थी और अरबाज ये लोग गए थे नीचे कुछ काम से, और खाना भी बन चुका है। तो फटाफट पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम भी ख़त्म होने वाला है, मगरिब होने वाली है। और मम्मा को भी उठा देती हूँ, फटाफट जाती हूँ, अपना काम निपटाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज, मम्मा यहाँ पर उठ चुके हैं नंगे पुंगे। हाँ मम्मा, तुम क्यों ऐसे करते हो, तुम ऐसे नंगे पुंगे उठ के क्यों आ जाते हो? गर्मी है ना। हाँ यार, ये बात तो सही है, इतनी गर्मी है गाइज कि मैं सिर्फ और सिर्फ नहा कर भी सिर्फ नाइटी ही पहन रही हूँ। और नाइटी पहनने के बाद सोचती हूँ कि थोड़ा सुकून लगे। और मम्मा तो मुझसे बोल रहे थे, एक काम करना, अभी अगले हर फंक्शन में तू अच्छी अच्छी नाइटियाँ ही ले लेना, कपड़े लेना ही बता मम्मा। सस्ते मैं देखो, कम से कम एक बार में देखो 5 नाइटी दिलाऊंगा। बहुत अच्छा, मेरे पास बहुत नाइटी है फिलहाल, मत दिलाओ। और मम्मा कभी मैच देखना भूल नहीं पा रहे, 24 घंटे इनकी मैच चली जा रही है। अरे तुम्हारी इज्जत निकल गई, जल्दी ढाको। और खाना कैसा बना था मम्मा? और गाइज, अब से आपको वीडियो में भी फंके की आवाज़ आएगी, क्योंकि हम लोग फैन नहीं बंद करने वाले, चाहे जो हो जाए। दोनों फैन एकदम स्पीड में चल रहे हैं। नहीं गाइज, आज पोछा मार रहे थे और इसलिए वो फैन बंद नहीं हुआ। नहीं, पोछा ओछा सब हो चुका था, फैन इसलिए बंद नहीं हुआ क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइज, फाइनली अरबाज ये लोग जा रहे हैं और अरबाज को भी दे दिया मैंने अरबाज का मैंगो, है ना अरबाज? यस, इंजॉय करना, मेरे को याद करना। हाँ हाँ, तो पेटी में दो दो ही दर्जन आते हैं, 10 वाली पेटी नहीं है, समझे? स्मॉल हार्ट अरबाज। यस, अल्लाह हाफिज। और तुम भी जाओ अमतूर, और जल्दी आना, ठीक है? चलो अल्लाह हाफिज। ये लोग आए थे पूरे पूरे 5 महीने बाद, संभाल के जाओ, ठीक है? तो गाइस, जीशान आ चुका है मुझसे मिलने। तो जीशान ने मुझसे बोला कि चलो मुझे सैलेड खाना है, तो एक काम करो तुम नीचे उतरो। फटाफट मैं नीचे उतर गई और जीशान भी नीचे पहुंच चुका है, तो चलते हैं गाइस। तो गाइज, यहाँ पर जीशान आ चुका है और हम लोग जा रहे हैं सैलेड खाने। तो तुम लोग दोनों भी कार में आ जाओ ना। नहीं नहीं, हम लोग बाइक पर आते हैं। बाइक पे, कार में बैठ जाओ दोनों। नहीं नहीं, हम लोग बाइक पर आते हैं। हाँ चलो। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं फातूस खाने के लिए, और मेरे को डायरेक्ट जिम से बुला लिया लोग ने। और लोग दोनों यहाँ बैठ के भूखल की तरह खा रहे हैं, देखो अकेले। ये क्या तुम लोग, क्या प्रोटीन खा रहे हो यार? खाओ ना जी, खा रहे हो ना? अरे भाई, अपन प्रोटीन शेक लेते हैं, क्या है? मैं वो भी लेता हूँ, ये भी लेता हूँ। हमस सॉस, ये देखो गाइस, यहाँ बैठ के ऑर्डर दे रहे हो, मैं सिर्फ देख रहा हूँ लोग का मुँह। लोग सिर्फ 2 चम्मच मंगाए, सही है यार, खा रहे थे पहले हम लोग आगे लिए। थोड़ा हमस सॉस और फ्रेंच फ्राइज। और सैलेड एक और मंगाओ, खाओगे ना? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं घर पे खाना खा लूंगा। मैं दाल चावल से बॉडी बना, येल्लो के ऐसा नहीं है। दाल चावल तो है, ये भाजी है। ये भाजी है, भाजी है ना, ये लोग ठीक है। वाह वाह, तो चलो गाइस, मिसबा के लिए हमस सॉस और क्या, फ्रेंच फ्राइज।
सो गाइस यहाँ पर आके ये बुकड़ ये भी आ गई है और फ्रेंच फ्राइज एक्स्ट्रा मतलब कितना है? क्या ले रही है तू? कितना फ्रेंच फ्राइज तू अपने लिए क्या ले रही है तू? फ्रेंच फ्राइज और भाई सीधा बोल रहे नहीं है फ्रेंच फ्राइज नहीं है आ, इसका पेट तुमको लगता है इसका पेट भर जाएगा? अच्छा दो प्राइस है क्या? तो गाइस भाई भी बोल रहे कि इसका पेट नहीं भरने वाला, तो देखते हैं क्या मंगा रही है ये तो बैठ के इधर खा रहा है। भाई तुम अकेले खाओ, ये कुछ अलग मंगाई अपने लिए। क्या क्या मंगाई है? हमोस। हाँ ये मोटी, ये दुबई का नाम क्या सुन के आ गए? हमोस हमोस, तो वही खा रहे लो। देखो ओ चने की चटनी हाँ चने की चटनी बराबर। तो गाइस चलो हम लोग खा लेते, थोड़ा टाइम पास कर लेते, बहुत दिन के बाद जीशान मिले। ये जीशान का आम नहीं लाई? मिला हाँ, बोली पार्टी दे रहे तभी आया हूँ। अरे माँ ये बोला मैं पार्टी दे रहा हूँ? यार तू बोलती है कसम से। तो गए रे बोल डांस। तो गाइस कोई बात नहीं, पार्टी ये दे वो दे, हम लोग तो मजे करेंगे। तो गाइज मैंने जीशान को एक मैंगो टेस्ट करा दिया है ताकि वो ऑर्डर दे दे, और मैंने इसको पार्सल भी दे दिया ताकि घर वालों को टेस्ट कराए। हाँ हाँ अजहर भाई ने भेजे, और ये एक मैंगो अबरेश को दे देना और एक तुम्हारे लिए, ठीक है तुम्हारे घर के लिए। हाँ नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है, जरा रख दो। अबे तेरी रख अपने आम खाओ घर जाके, समझे? चलो सही है। ए जा रहे हो? आओ तुमको अपना बेडरूम दिखाती। अरे अरे गिर गया यहाँ से गिर गया। आओ तुमको मैं अपना बेडरूम दिखाती पहले। क्यों बेडरूम? मैं मुझे तो गाइस ये जा रहा है मेरा बेडरूम देखने फाइनली। ओ अंदर घुस अंदर घुस। ये देखो कैसा लग रहा है माई ईद बेडरूम। भाई कितने अच्छे से मैं सब मैच करके कैसे कुछ नहीं समझता लड़कों को। ए मेरे को चिल्लाओ जरा मत कर यार, मजा अंदर से चिल्ला रहे। ए तो सही बताओ जीशान अच्छा मैच नहीं कर रहा है? मैच तो कर रहा है, वैसे ही लग रहा है मेरे को वैसे। तुम कुछ काम के नहीं हो गाइस, आप लोग बताना कि मेरा बेडरूम कैसा लग रहा है। ये तुम लड़कियों को दिखा, हम तो सिर्फ लेटने के लिए। हाँ ये मैं तुमको दिखाई ताकि तुम गंदा ना करो वापिस। चलो अल्लाह हाफिज। यस और मैंगो खाते हुए स्नैप जरूर भेजना, तुमने तो ले लिया अभी। चलो अल्लाह हाफिज। तो गाइस फाइनली हम लोग ने जो आम का बिजनेस करे थे वो हो गया खत्म। ऐसा कुछ नहीं गाइस, जो अजहर भाई ने आम भेजे थे हम लोग ने सबको दे दिए। जीशान को भी कल आया था, जीशान उसको भी हम लोग ने दे दिए, और गाइस वो लेके भी गया खा के भी गया, इतना बड़ा खुद्दड़ है। तो गाइस फाइनली हम लोग सो गए, रात में मैं एंड नहीं कर पाया था, बहुत नींद लगी थी और मैं सो गया, तो मैं अभी जा रहा हूँ काम पे। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन। गाइस मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। I love this.